हेलो दोस्तों, मैं राकेश सिद्धराज आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल का ये सेट नंबर 3 है जीके का, आप इसको बनाइए। कितना मार्क्स आपको आता है आप शेयर करें। आपको बता दूं कि ये जितना भी मैं क्वेश्चन डालता हूं, सारा का सारा क्वेश्चन इसमें बिहार एसएससी का जो साइट पर सिलेबस दिया हुआ है, सारा का सारा मैं सिलेबस से ही क्वेश्चन डाल रहा हूँ। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आएगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से चलते हैं और देखते हैं कि आप कितना तैयारी करके रखे हैं, क्योंकि एग्जाम काफी नजदीक है बिहार एसएससी का। ठीक है, तो देखते हैं कितना आप तैयारी किए हैं। आप कोशिश करिए कि एक बार रोक ले वीडियो और आंसर देने का प्रयास करें। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाब अलमंदेव की जल संधि, सरयूज, बोस्पोरस, मलक्का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बाब अलमंदेव की जल संधि। देख लीजिए आप एक बार, चाहे तो इसका आप मैप में देख लीजिए कि ये जो एरिया है बाब अलमंदेव की जल संधि है। एक तरफ लाल सागर है और दूसरी तरफ अपना हिंद महासागर है। ये जो खाड़ियां कहलाती है, गल्फ ऑफ आदेन की खाड़ी है, आदेन की खाड़ी, और ये रेड सी। क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछ सकता है कि रेड लाल सागर यानी रेड सी और गल्फ ऑफ आदेन यानी मतलब आदेन की खाड़ी को कौन सा जल संधि जोड़ता है? तो बाबल मंडेप की जल संधि। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। डेन्यूब नदी निम्नलिखित में किस देश से होकर गुजरती है? आप डेन्यूब नदी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो वहां एक यूरोप की एक ऐसी नदी है जो कि बहुत सारे देश से होकर गुजरती है, तो वो है इंपोर्टेंट में डेन्यूब नदी, जो कि आपको पढ़ना चाहिए। तो वो किस किस देश से होकर गुजरती है, इनमें से आपको इनमें से आपको छांटना है। ऑप्शन के अनुसार आप देख लीजिए, तो मैं कूट दे देता हूं कि जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, पोलैंड है, रोमानिया है, तो आप कूट के अनुसार इसको बनाइए। ठीक है, तो आप चलिए बना लीजिए। आशा करते हैं कि आप बना रहे होंगे या तो रोक के बना रहे होंगे। देख लीजिए आप कि ये जर्मनी डेन्यूब नदी का ये जो फिगर है, देख लीजिए ये जो नदियां जो गुजर रही है फिगर में, आप देखिए इसको, ये डेन्यूब नदी का एरिया है। ठीक है, किस किस देश से है? ये जर्मनी है, चेक रिपब्लिक है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, ऑस्ट्रिया है। ठीक है, ये आपका क्रोटिया है, सर्बिया है, बुल्गारिया है, रोमानिया है, ये सब देश से ये गुजरती है और ये ब्लैक सी यानी काला सागर में जल प्रवाहित करती है। तो इस नदी से इस देश से गुजरती है, तो इनमें कौन सा देश आप मिला लीजिए, कौन सा देश नहीं था? तो देखिए जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, हंगरी था, ये पोलैंड देखिए नहीं था, रोमानिया भी था, तो यानी चार नहीं होगा, यानी एक दो तीन पांच, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आप ध्यान से देख लीजिए, तो पोलैंड देखिए बहुत दूर में यहाँ है जो कि नदी के एरिया में नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है? ग्रेट बियर, ग्रेट बियर, ये सब झील एक तरफ है, एक तरफ देश है, तो आप देख लीजिए कि ग्रेट बियर झील कहाँ है? कनाडा। क्या ये सही है गलत है, आप डिसाइड करिए। मिशिगन झील यूएसए, ओनेगा झील ऑस्ट्रेलिया, टिकिकाका पेरू, बोलिविया। तो देखिए ये ओनेगा जो झील है वो रशिया का झील है, रूस में है। ठीक है, ओनेगा रूस का झील है और बाकी सब सही है, टिकिकाका पहला, पेरू, बोलिविया भी सही है। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में किस देश का अनुसरण किया गया? यानी मौलिक अधिकार एक तरह से कहां से लिया गया है? ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, ये कहां से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि यहां पर आपको सेट एकदम हूबहू पैटर्न पर मिलेगा, इसकी गारंटी है। चाहे तो आप एक दो तीन सेट, ये तीसरा सेट है, चाहे तो आप पीछे भी देख सकते हैं। ठीक है, राज्यपाल को निम्नलिखित में किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? आपसे सामने क्वेश्चन है, राज्यपाल को निम्नलिखित में किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, सैन्य एवं राजनयिक शक्ति, न्यायिक शक्ति। तो देखिए राज्यपाल को ये आप देख लीजिए कि ये टोटल की शक्तियां जो है, जो भी शक्तियां हैं, एक मिनट, जो भी शक्तियां, राष्ट्रपति को सभी शक्तियां प्राप्त है, लेकिन राज्यपाल को इनमें से सैन्य एवं राजनयिक शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, राज्यपाल को सैन्य एवं राजनयिक शक्ति प्राप्त नहीं है,
बाकी सभी शक्तियां राज्यपाल को भी प्राप्त होती है, इसका आंसर सी हो जाएगा। और हालांकि राष्ट्रपति को ये सभी शक्तियां प्राप्त है। किसी राज्य में विधान परिषद, क्वेश्चन विधान परिषद से पूछने का ट्रेंड है इसलिए मैं विधान परिषद का डालता हूँ। विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन ए आपके सामने है, उस राज्य की विधानसभा द्वारा, बी संसद द्वारा, सी संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, डी राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। तो आपके सामने आंसर क्या हो जाएगा इसका? संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पुलिस, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषय को किस सूची में रखा गया है? संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची, अपशिष्ट शक्तियां। तो ये सब जो आपके सामने विषय है ये राज्य सूची का विषय है। आपको मालूम होना चाहिए कि संघ सूची में कितने विषय है, राज सूची में कितने विषय, और संवर्ती सूची में कितने विषय है। अगर आप सिंपल सा क्वेश्चन है कमेंट कर दीजिए, ठीक है। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी, आपको पता होना चाहिए कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव आयोग से है, ठीक है। तो क्या सिफारिश किए थे आपके सामने? ऑप्शन है, देख लीजिए, राजस्तरीय चुन निर्वाचन आयोग के गठन की बात कही थी, लोकसभा के चुनाव के लिए सूची पद्धति की, लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की, या लोकसभा के चुनाव में निर्दलीय प्रसाद प्रत्याशी की अभ्यर्था पर प्रतिबंध की। तो इनका क्या था सिफारिश? ये निर्वाचन आयोग से रिलेटेड थे, निर्वाचन आयोग से रिलेटेड कमिटी है, ठीक है, दिनेश गोस्वामी समिति, और इन्होंने लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की बात कही थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में किन परिस्थितियों में की जा सकती है? असंवैधानिक मशीनरी की विफलता, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। तो भारत में जो 352 के अनुसार जो राष्ट्रीय आपातकाल लगती है वो किस किस आधार पर लगती है? तो युद्ध के कारण, बाह्य आक्रमण के कारण और सशस्त्र विद्रोह, मतलब आंतरिक में अगर विद्रोह हो जाए देश के अंदर, अगर सशस्त्र यानी शस्त्र से विद्रोह हो जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति लोक धन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी के रूप में की जाती है? संसदीय प्रहरी के रूप में किसकी नियुक्ति की जाती है? महान्यायवादी, सॉलिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एडवोकेट जनरल। तो ये नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है संसदीय प्रहरी के रूप में, यानी लोक धन की व्यय की निगरानी के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, किस अनुच्छेद में है? तो 148 से 151 के आसपास में है, आप देख लीजिएगा एक बार। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यानी ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? आपके सामने आंसर है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, सॉरी दक्षिण पूर्वी तट पर, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर। तो ये कहाँ है देख लीजिए आप एक बार मैप में, आप देख लीजिए कि ये पूरा ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के ये क्या है, पूर्वी तट पर है, ये पूरा का पूरा एरिया ऑस्ट्रेलिया का ये पूर्वी एरिया है, ठीक है। ये पूरा आपके सामने ऑस्ट्रेलिया है, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के ये पूरा ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसके क्या है पूर्वी एरिया में क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इसमें कथन आपके सामने एक कथन असत्य है, बाकी सब सही है। महाद्वीप मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, क्या यह कथन असत्य है? महासागरीय बेसिन में बेसाल्ट चट्टान की प्रधानता होती है, क्या यह कथन असत्य है? कोर को बेरीफियर के नाम से जाना जाता है, क्या यह कथन असत्य है? पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान का 83% मेटल में व्याप्त है, कौन सा कथन इसमें असत्य है? देखिए, महाद्वीप मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टान से बनती है, ये बिल्कुल सही है। महासागरीय बेसिन बेसाल्ट चट्टान से बन रही है, ये भी सही है। और कोर को बेरियस्फीयर के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। यानी जो कुछ डाटा में गलती है आपका, ये डाटा थोड़ा सा गलत है, हालांकि मेटल बहुत मात्रा में पाया जाता है, ये बात सही है, आयतन में भी द्रव्यमान में भी, लेकिन इतना मात्रा में नहीं है जितना मात्रा में दिया हुआ है, यानी डाटा गलत है, बाकी तीनों सही है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण। तो देखिए, ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है ये शतपथ ब्राह्मण है। नेक्स्ट चलते हैं, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त
मतलब ये डाल पर, सॉरी डाल पर होना चाहिए था, डाल पर चोच में मछली दबाए चिड़िया, पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी के चित्र चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदृश है। तो किस हड़प्पा कालीन स्थल से ऐसा चित्र मिला, जो कि डाल पर मछली लिए चिड़िया पड़ी है खड़ी, मतलब बैठी है, और पेड़ के नीचे लोमड़ी खड़ी है। तो ये कहाँ से मिला है, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, रंगपुर से। तो ये कहा, ये जो चित्र मिला ये लोथल से मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। मिलिंद पन्हो जो है राजा, जो मिलिंद के प्रश्न है वो राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद में है। तो बौद्ध भिक्षु कौन सा है, नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट या कुमरिल भट्ट। तो देखिए, ये जो मिलिंद और नागसेन के बीच वार्तालाप हुआ था, जिसमें मिलिंद जी प्रश्न पूछ रहे थे और नागसेन उनका उत्तर दे रहे थे। ठीक है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित चार, क्या है शीर्ष क्वेश्चन है कि जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ के बारे में सुने होंगे कि जैन तीर्थकर जो कि क्या थे, 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित चार महाव्रतों में महावीर ने पांचवें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था, यानी चार महाव्रत पहले से पार्श्वनाथ ने जोड़े थे और पांचवा महाव्रत महावीर ने जोड़ा था। तो कौन सा महाव्रत था, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो ये महावीर का जो पांचवा महाव्रत था वो ब्रह्मचर्य था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली तीन पर्वत श्रेणियां है, खासी पटकोई, अरियान कोमा, अल्टाई पर्वत श्रृंखला, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इनमें से कोई नहीं। तो मैं ये सिंपल कर दिया हूं, ये खासी, पटकाई और अरियान कोमा, अरकान योमा, ये तीनों है, जो कि आपका जो ये एरिया जो भारत का है, अगर आप इसको समझिए कि ये अब पूर्वोत्तर क्षेत्र है, तो ये जो एरिया में नेपाल के साथ जो सटता है, इधर नेपाल हो गया, समझिए ये पूर्वोत्तर भारत है। तो ये तीनों श्रेणियां आपको मिल जाएगी, खासी, पटकाई, वो नवारियान कोमा। ठीक है, अब फिर उसके बाद म्यांमार, नेक्स्ट चलते हैं। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है। पिपली घाट के नाम सुने होंगे आप, जो एक दर्रा है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल श्रेणी, अरावली श्रेणी। देखिए पिपली घाट कहाँ है, आपको लगता, आप चाहे तो बना सकते हैं। पिपली घाट जो है ये राजस्थान में है, अरावली श्रेणी का है। आशा कि सिंपल सा क्वेश्चन था, बन गया होगा। भारत पाक बगलिहार परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में किस पर स्थित है। तो भारत पाक बगलिहार परियोजना किस नदी पर है, सतलज, झेलम, ब्यास, चिनाब। तो ये जो है चिनाब नदी पर है, याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है, नरौरा, तारापुर, कल्पक्कम, काकरापारा। तो प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र जो है तारापुर, जानते हैं, महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में कौन सी टेनिस स्पर्धा ग्रैंड असलम से संबंधित नहीं है। ग्रैंड असलम आप समझते होंगे, जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ये सब जो होता है, यानी इटालियन ओपन ये आपका नहीं है, बाकी ये तीनों है। यहाँ से हर साल इसका इंपोर्टेंस यह है आपका बिहार एसएससी में, या तो कोई भी एग्जाम में, इनका जो बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जो जीतते हैं और जो उपविजेता रहता है, ठीक है, वो पूछा जाता है। इससे रिलेटेड जो खिलाड़ी है जो ग्रैंड स्लैम में जीतते हैं, उस खिलाड़ी के देश से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आशा करते हैं कि आप उसका देश और कौन इस साल जो 2022 में कौन कौन सा जीता है वो सब आप याद रखिएगा। ठीक है, विंबलडन क्या पुरुष श्रेणी में कौन जीता है, उसका उपविजेता कौन रहा, महिला श्रेणी में कौन जीता है, उसका उपविजेता कौन रहा। ठीक है, वो जो विजेता या उपविजेता है वो किस देश से रिलेटेड खिलाड़ी है, ये सारे क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज्यादा रहता है, आप एक बार याद करके ही जाइएगा। क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है। क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट का खेल किस खेल से संबंधित है, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल। देखिए क्ले कोर्ट और हार्ड कोर्ट जो है किससे है, ये लॉन टेनिस से ही है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन है कि 2022 का फीफा कप
फीफा वर्ल्ड कप जो है फुटबॉल का एक वर्ल्ड कप होता है। फीफा कप कहाँ आयोजित किया गया है? 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया गया है? रूस, कतर, फ्रांस, नीदरलैंड। तो ये कतर में हो रहा है, ठीक है। भारत को बैन लगा दिया गया, ये बात अलग है। किसने राज दरबार में सिजदा, सिजदा का मतलब थोड़ा सा आप जान लीजिए कि घुटनों पर बैठकर शीश नवाला। आप गाना सुने होंगे कि सिजदा करूं मैं तेरा। फिर पाबोस, पाबोस का मतलब होता है पांव को चूमना, की परिपाटी चलाई थी। मतलब किसने, दिल्ली संतनत के किस शासक ने अपने राज दरबार में सिजदा और पाबोस की परिपाटी चलाई थी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये बलबन ये चलाए थे, ठीक है, ये बलबन का चलाया हुआ प्रथा है। बहमनी साम्राज्य में सबसे अंत में कौन सा राज स्वतंत्र हुआ था? बहमनी साम्राज्य के सबसे अंत में जो राज स्वतंत्र हुआ था वो कौन था? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर। तो ये बीदर था। नेक्स्ट चलते हैं। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेनी कहिए जो पीर पराई जान रे के रचिता है। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेन कहिए जो पीर पराई जान रे के रचिता कौन सा है? नरसिंह मेहता, वल्लभाचार्य, कबीरदास, सूरदास। तो ये नरसिंह मेहता है। नेक्स्ट चलते हैं। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? लिंगराज मंदिर जो आपके भुवनेश्वर में है उसकी नींव किसने डाली थी? अयाति केसरी ने, लाला तेंदु केसरी ने, नरसिंह देव ने, प्रताप रुद्रदेव ने। तो ये लिंगराज मंदिर जो है ये अयाति केसरी ने नींव डाली थी, याद कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन लिंगराज से अगर आपसे घुमा के पूछे तो ये पूछ सकता है, ठीक है। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। रोलिंग प्लान किसने लाया था? इंदिरा गांधी के द्वारा, राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा, राजीव गांधी के द्वारा। देखिए रोलिंग प्लान जो है ये जनता सरकार के द्वारा लाया गया था, ठीक है, जो कि 1978 से लेके, सोचा था कि 1978 से 83 तक का प्लान था लेकिन संयोग से 78 से 80 तक ही चला, ठीक। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? देखिए आर्थिक नियोजन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप एक बार अच्छा से, एक बार दो बार पूरे के पूरे पढ़ के डिटेल से जाइएगा, ठीक है। आर्थिक नियोजन, कृषि, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है और ये सब दिया हुआ भी इसके बारे में। तो आर्थिक नियोजन से में क्वेश्चन है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था निर्धनता का उन्मूलन, समाविष्ट आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय के साथ विकास, अल्पसंख्यकों का विकास। तो देखिए समाविष्ट आर्थिक वृद्धि जो है 11वां पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। निम्न में कौन सी समिति भारत में निर्धनता मतलब गरीबी में अनुमानों से संबंधित रही है, मतलब गरीबी अनुमान से रिलेटेड कौन सी समिति है? विजय केलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, एसपी गुप्ता समिति, लकड़ावाला समिति। तो देखिए ये जो निर्धनता में अनुमान से संबंधित जो समिति है वो सुरेश तेंदुलकर समिति है। नेक्स्ट चलते हैं। मानव विकास सूचकांक यानी HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? तो मानव विकास सूचकांक जानते हैं किसने बनाया है? एडम स्मिथ ने, अमर्त्य सेन ने, कीन्स ने, महबूबुल हक ने। तो ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक ने ये बनाया है, ठीक। हवाला क्या होता है? हवाला, हवाला क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन है। विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार, कर वंचन, शेयर बाजार में प्रतिविधियों का अवैध लेन देन, किसी विषय का पूर्ण विवरण। तो हवाला क्या है? एक तरह के विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार है, यानी विदेशी से मुद्रा आ और उस पर टैक्स ना दे, सरकार की नजर ना हो, ये हवाला कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं। टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? टोक्यो में जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम क्या है? हांगसांग, सिमेक्स, डो जोन्स, निक्की। तो ये टोक्यो में जो उसका नाम निक्की है, ठीक। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? शीत मरुस्थल लद्दाख, पूर्वी कामेंग, लाचेन, चंबा। तो देखिए भारत का एकमात्र जो शीत मरुस्थल है, आप गोभी का नाम सुने होंगे, गोभी भी क्या है? शीत मरुस्थल है। तो ये भारत में जो शीत मरुस्थल है वो लद्दाख है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा, स्टेपफोर्ड रेखा। तो ये देखिए मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा बनाता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के आसपास में है, ठीक है। और रेड क्लिफ रेखा किसके साथ है? भारत और
पाकिस्तान के साथ, अगर भारत और बांग्लादेश के साथ भी पूछ दे तो कौन सा रेखा बताना है? रेड क्लिफ रेखा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड रेखा 1947 में बना था, उस समय बांग्लादेश नहीं था। बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग हुआ, फिर भी भारत के साथ जो रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा ही है। ठीक है, नंदलाल बोस का नाम आप सुने होंगे। नंदलाल बोस किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? चित्रकला में, लोक कला में, नृत्य कला में, राजनीति में? तो ये नंदलाल बोस जो है, इन्होंने चित्रकला बनाए थे, भारत माता की चित्रकला इनका सबसे फेमस है शायद। इनका चित्रकला का श्रेय सूची तैयार कर लीजिए और देख लीजिए कि इनका चित्र कौन कौन से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके चित्र से क्वेश्चन आते हैं। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? बनी ठनी, सुप्रसिद्ध चित्र जो है बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली, कांगड़ा शैली, बुद्धि शैली? तो जो बनी ठनी चित्र है जो, वो किशनगढ़ शैली पर आधारित है। संगाई, अंश पर यहां दे दीजिए। एक मिनट, संगाई त्योहार निम्नलिखित में कहां मनाया जाता है? सगाई नहीं है, संगाई, इसको पढ़िए। संगाई त्योहार निम्नलिखित में कहां मनाया जाता है? असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड? तो ये संगाई त्योहार कहां मनाया जाता है आप एक बार देख लीजिए, ये मणिपुर में। ठीक, बहुत सारे त्योहार जो कि उत्तरी पूर्वी भारत के हैं वो बहुत मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा कि जो उत्तरी पूर्वी का जो भी त्योहार है आपको कंठस्थ होना चाहिए। ठीक, जैसे हार्वे बिल वगैरह है सभी पूछा जाता है। अशोक का कौन सा अभिलेख दो लिपियों यानी ग्रीक और अरामाइक में प्राप्त हुआ है? अशोक की कौन सी अभिलेख दो लिपि में प्राप्त हुआ है? शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, सारेकूना? तो ये देखिए, सारेकूना एक अभिलेख, ऐसा अभिलेख है जो कि दो लिपि में प्राप्त हुआ है, जिसमें ग्रीक लिपि भी है और अरामाइक लिपि भी है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, नेपाली? तो भारत की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं, शुरू में 14 भाषाएं थी। ठीक है, फिर क्रम क्रम से जुड़ता गया, तो इनमें से अभी फिलहाल कौन सी भाषा है जो कि नहीं, भारतीय 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो ये अंग्रेजी जो है फिलहाल नहीं है, बाकी ऑप्शन के अनुसार उर्दू, संस्कृत और नेपाली है। ठीक, आपको ये भी पता होना चाहिए कि 67वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी, आप याद रख लीजिएगा एक बार, और एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन में भाषा का जिक्र है, भारतीय भाषा से, भारतीय लिपियां का। ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है। फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? फिनिक्स फॉर्म जो कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये गांधी जी से जुड़े हुए आश्रम है, फिनिक्स फॉर्म, ये कहाँ है? सूरतगढ़ में, एथेंस में, डरबन में, कंपाला में? तो ये डरबन में है। ठीक है, फिनिक्स फॉर्म जो है डरबन में है, ये गांधी जी से जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? समाचार पत्र पर से प्रतिबंध किसने हटाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, चार्ल्स मेटकॉफ ने, लॉर्ड मैकाले ने, लॉर्ड हार्डिंग ने? तो ये चार्ल्स मेटकॉफ जो है ये प्रेस पर से प्रतिबंध हटा दिया था। नेक्स्ट चलते हैं, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? आपको पता होना चाहिए कि कैबिनेट मिशन भारत 1946 में जब आया था तो उसमें से, इनमें से कौन इसका सदस्य नहीं थे? विलियम बूट, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर? तो ये विलियम बूट जो इसका सदस्य नहीं थे, बाकी तीनों सदस्य थे। ठीक, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? आर सी मजुमदार, ताराचंद्र, बी डी सावरकर, एस एन सेन? तो देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो सरकारी इतिहासकार थे वो एस एन सेन थे। इनकी एक पुस्तक है, आप पुस्तक को कमेंट करके बताइए कि इनकी पुस्तक में ये लिखा गया है कि 1857 के विद्रोह को एस एन सेन ने क्या संज्ञा दी है। ठीक, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति का जनक है, यानी इंडियन अनरेस्ट है? तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, किसने कहा था कि बाल गंगाधर तिलक भारतीय अशांति के जनक है? बी चिरोल ने, लुई फिशर ने, बेब मिलर ने, लॉर्ड रीडिंग ने? तो ये बी चिरोल साहब थे,
ठीक है, जिन्होंने अंग्रेजी थे, अंग्रेज राइटर थे, इतिहासकार थे, जिन्होंने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, ठीक है, भारत में शोरगुल का जिम्मेदार तिलक को सब ठहरा रहे थे, ठीक है। तो इन पर इस केस लड़ने के लिए, इन्होंने इस पर केस करने के लिए इंग्लैंड चल गए थे, बाल गंगाधर तिलक, ये बात भी थोड़ा सा आप जान लीजिए। तो आपको ये सेट कैसा लग रहा है? अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार आप लाइक कर दीजिए। बच्चा आपके पास 5 क्वेश्चन, जो कि बिहार एसएससी में 50 क्वेश्चन जीके जीएस रहेगा, तो 5 क्वेश्चन हम करंट को मान के चलते हैं। वो करंट जो कि एग्जाम जितना लेट से होगा, तो समझिए उससे 2 महीना पहले का करंट है। फिर आप थोड़ा सा बड़े बड़े टॉपिक देख लीजिएगा एक बार, ठीक है? तो धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा लें, ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। धन्यवाद। जय।